मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग पहुंच गया है, जहां उन्होंने राजगढ़ में पेड न्यूज को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत की है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से इस मामले की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राजगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर के खिलाफ अनर्गल और प्लांटेड न्यूज छपवाई जा रही हैं। इस मौके पर विधायक बीर सिंह भूरिया के विवादित बयान को लेकर भी भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई, सभी सभाओं में प्रतिबंध लगाने की मांग रखी। भगवान दास सबनानी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव का वातावरण बिगाड़ रही है, कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा देना चाह रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। श्री अनुपम राजन जी से आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला और दो गंभीर विषयों पर हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि उस पर कार्रवाई हो। एक तो झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में थांदला क्षेत्र के विधायक वीर सिंह भूरिया ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके परिवार पर हमला किया है, उनके बारे में अपशब्द बोले हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि इनकी ऐसी तैसी कर दो, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे ऐसा लगता है कि वो हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। कांग्रेस अपने निम्न हथकंडों पर उतर आई है और चुनाव के जो सामने दिखने वाली पराजय को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इस तरीके से वहाँ का चुनाव का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। इसको लेकर के हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत की है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए, चूंकि वहाँ पर संबंधित थाने में 188 की कार्रवाई हुई है, अब निर्वाचन आयोग उनको आगे की सभी सभाओं के लिए उनको एक प्रकार से बंदिश लगाए और आगे किसी सभा में न जा पाए। साथ ही उनको बर्खास्त करने की बात कही हमने प्रत्याशी सहित विधायक को। इसके अतिरिक्त राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में जिस तरीके से वहाँ पेड न्यूज के माध्यम से एक वातावरण बनाना एक प्रत्याशी का एक चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर जी के खिलाफ अनर्गल वहाँ समाचार छपवाना, प्लांटेड न्यूज और वहाँ पेड न्यूज के माध्यम से जिस तरीके से काम हो रहा है, ये घोर आपत्तिजनक है और ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के हमने कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग को शिकायत की।